हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, टुडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे मैं आ चुका हूँ इधर गुरुद्वारे की ओर। और गाइस, इधर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर सफाई करके अभी जस्ट पानी लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे गाइस, मैंने बहुत क्यारी में पानी लगा दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे अभी और भी पानी लगाना बाकी है। तो चलो इधर दिखाता हूँ मैं आपको, पाइप लेकर मैं थोड़ा सा इधर आ गया। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे मैंने इधर भी पानी, ये देख लीजिए, समरसिबल से लगा रहा हूँ पानी। और भी क्यारियों की सफाई करनी पड़ेगी, माली आया नहीं है जस्ट अभी, तो माली आने में थोड़ा टाइम लगेगा जो इसका देखभाल करेगा। तो इसलिए मैं सोचा हूँ चलो थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ, वो आएगा तो सफाई कर लेगा। तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरी सफाई कर दी है, झाड़ू लगा कर A to Z कम्प्लीट कर दिया है। चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ फ्लावर्स को पानी देना है। सो तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा सफाई है यहाँ से लेकर वहाँ तक, मैंने सभी गाइस झाड़ू मारकर सफाई पूरी की हुई है। और फ्लावर्स देख सकते हैं आप, इस क्यारियों में वहाँ तक है फ्लावर्स, वो देख पा रहे हो आप। तो इस क्यारी में अभी फ्लावर्स लगेंगे, ठीक है गाइस। तो ये देख लीजिए, इधर भी साफ़ सफाई पूरी ओके कर रखा है, वो इधर देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें गाइस अभी पानी लगाना बाकी है, इस साइड अभी पानी लगाना पड़ेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा क्यारियों में। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पानी का लगा रहे हैं। तो फिलहाल ये देख पा रहे होंगे आप, इन क्यारियों में तो ऑलरेडी लग चुका है। और इधर देख लिया, हरा भरा कितना ज़्यादा हो चुका है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। तो मतलब पेड़ पौधे पानी लगाने से काफ़ी हरे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पानी टाइम टू टाइम इनको देता रहूँ, सो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इधर देख सकते हैं सरसों के मतलब खेतों में फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, फ्लावर्स सरसों के फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गाइस, इधर देख पा रहे होंगे आप। सो तो कुछ लोग गाइस, मैंने पौधे को ही धो डाला पूरा, ये देख पा रहे हो आप। तो ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है, मैं पूरा पौधे को ही धो डाला। बढ़िया लग रहा है, तो आई थिंक चलो इनको भी धो डालते हैं पूरे पौधे को ही। तो फ्रेंड्स, आप व्यू चेक करें कितना अच्छा आ रहा है इधर से। और इधर देख सकते हैं आप गाइस, धूप निकला पड़ा है, इधर से सूरज निकला हुआ है, तो इसलिए तो इधर धूप पड़ रही है। और इधर व्यू देख लीजिए गाइस कितना अच्छा आ रहा है, और ये देखिए पौधे गाइस चेक करें, जब मैं इनको धोता हूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छा मतलब सफाई हो जाती है पौधों की, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये भी प्रॉपरली बिल्कुल ओके है, यहाँ पर चलो पानी देते हैं। वैसे गाइस, ये सारा सूखा पड़ा हुआ था। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो वहाँ पर, देख लीजिए वो मतलब
वहाँ से पानी सभी उधर पास हो रहा है। ये देख लीजिए ये जो गड्ढा है, यहाँ से पानी सब उधर पास हो रहा है, इसलिए मैंने कहा चलो पहले पूरा भर देते हैं फिर पानी यहाँ पे प्रॉपरली प्रॉपर लेवल पर आएगा इसलिए। और इसको तो देख ही लीजिए, इस पेड़ के ऊपर इतना वजन पड़ गया था ऊपर में, हमें काटना पड़ा आखिर में, वहाँ से काटना पड़ा फिर जाके गाइस ये प्रॉपरली जो है बच पाया है, क्योंकि ये नहीं तो सभी पेड़ अपने आप ही उखड़ जाता इसलिए। तो आई थिंक अब ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत पानी दे देते हैं इनको भी। सो तो फ्रेंड्स वहाँ से पाइप यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था, तो मैं यहाँ से टूटी में मतलब नल में थोड़ा सा पाइप लगाकर, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ से पानी वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने नल में पाइप लगाकर और यहाँ से ये देख पा रहे हो आप, उस पौधे में पानी पहुँचा रहा हूँ, वो देख पा रहे हो आप, वहाँ पर पानी पहुँचा रहा हूँ। और इनका देख लीजिए अभी तक रंग सब उतारा गया है, मतलब उखाड़ दिया गया है, अभी इस पर कलर होगा जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। तो चलो अभी उसमें पानी दे देते हैं फिर इधर देखते हैं। और ये देख लीजिए इधर से पाइप दूसरे में पानी आ रहा है, यहाँ से पाइप पासिंग होकर वहाँ से नीचे से उसमें पानी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलो गाइस देखते हैं और